ग्लोबल भारत न्यूज़ पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। देर न करते हुए करते हैं पहली बड़ी खबर का। प्रतापगढ़ शहर से जहां न्यायालय के सोलन पैलेस जोन में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग, मचा भगदड़। बता दें कि जनपद न्यायालय परिसर में सीजीएम कोर्ट की तीसरी मंजिल पर बने सोलर पैनल के स्विच रूम में शुक्रवार की दोपहर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। धुआं देख वहां अफरातफरी मच गया। मौके पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने स्विच रूम की खिड़कियों के शीशे तोड़े तो धुआं बाहर निकला। इस दौरान न्यायालय परिसर में घंटे भर से अधिक समय तक अफरातफरी का माहौल रहा। बता दें कि जनपद न्यायालय के भवन में तीसरी मंजिल के कमरों में कोर्ट की फाइलें रखी जाती हैं। कक्ष संख्या 15 और 13 के बीच सोलर पैनल का स्विच रूम है। दोपहर करीब 12:30 बजे स्विच रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं निकलने लगा। बाहर से धुआं देख लोग आग लगने का शोर मचाने लगे। इससे सभी डर गए और बाहर की ओर भागने लगे। अधिवक्ता वादकारी बरामदे की ओर से, जबकि न्याय के अधिकारी और कर्मचारी दूसरी ओर से जल्दी जल्दी निकले। फायर ब्रिगेड कर्मचारी पहुंचे तो स्विच रूम में धुआं भरा हुआ था। कर्मचारियों ने खिड़की का शीशा तोड़ा तो धुआं बाहर निकला। हालांकि इस दौरान न्यायालय का कोई भी कागज या सामान नहीं जला और आग बुझा दी गई। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर कुंडा इलाके से, जहां मासूम की हत्या में मिला पिता को आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट में मासूम बेटी की हत्या के मामले में दोषी होने पर उसके पिता महेशगंज महवे मलकिया के मुन्ना दरवेश को आजीवन कारावास की कोर्ट ने सजा सुनाई है। बता दें कि मानिकपुर के कोरान का पुरवा ऐठू निवासी सत्यनारायण प्रजापति ने 12 नवंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि ऐठू में हरसकरी वीर बाबा के पास पुराने कुएं में बच्चे का शव उतराता पाया गया। इसकी जाँच के दौरान मुन्ना दरवेश की पत्नी सूरजकली ने प्रार्थना पत्र दिया। उसने कहा कि मुन्ना उसे बहला फुसला कर 1.5 साल पहले लुधियाना ले गया था। वहाँ वह मुन्ना की पत्नी के रूप में रहती थी। दिसंबर 2001 में 5 महीने पहले उसे बेटा पैदा हुआ, उसका नाम राहुल रखा गया। इसके बाद मुन्ना सूरजकली को लेकर संग्राम बढ़ाया और किराए के कमरे में रहने लगा। 20-25 दिन पहले मुन्ना व उसका दोस्त मुईद लुधियाना जाने की बात कहकर रात 8 बजे मानिकपुर के लिए चले। कोई ट्रेन न मिलने पर स्कूटर से लौटने लगे। मानिकपुर ऐठू में दोनों माँ बेटे को कुएं में डाल दिया, वहीं पकड़कर डूबने से बच गई। दोनों ने किसी से घटना का जिक्र न करने की कसम दिलाकर उसे बाहर निकाल लिया, लेकिन उसका बेटा कुएं में रह गया। इसके बाद उसे कमरे पर पहुंचाकर भाग गए। वह लोग लाश के भय से अपने घर नहीं गई। कुएं से बच्चे का शव बरामद होने की सूचना पर उसने तहरीर दी। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम नीरज कुमार बरनवाल ने मुन्ना दरवेश पर दोष सिद्ध पाया और सजा सुनाई। राज्य की ओर से पर भी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने की। आगे रुख करते हैं अगली बड़ी खबर खबरानी के इलाके से, जहां दमन से बरामद तीनों छात्राओं को बाल संरक्षण केंद्र भेजा गया। बता दें कि एक हफ्ते पहले स्कूल से गायब तीन छात्राओं को गुजरात के दमन से बरामद कर शुक्रवार को पुलिस टीम रानीगंज थाने पहुंची। पुलिस छात्राओं को बरामद करने के साथ रिश्तेदार युवक को भी पकड़ कर ले आई है। तीनों छात्राओं को बाल संरक्षण केंद्र भेजा गया, जहां पर उनका बयान दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बता दें कि 3 सितंबर को जयरामपुर के एक स्कूल में पढ़ने वाली 2 सगी बहन और उसकी सहेली स्कूल से छुट्टी के बाद गायब हो गई थी। छात्राओं के परिजनों ने अज्ञात युवक पर अपहरण की शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस तलाश में जुटी तो छात्राओं की लोकेशन सूरत में मिली तो गुजरात पुलिस की मदद से उन्हें दमन में बरामद कर लिया गया। हालांकि छात्राओं के स्कूल से निकलकर गुजरात तक पहुंचने तक की पूरी साजिश और आरोपितों की कहानी छात्राओं के बयान के बाद ही सामने आनी है। इस बारे में सीओबी ने प्रभाकर साहनी ने बताया कि बरामद छात्राओं को बालिका संरक्षण केंद्र भेजा गया, जहां उनका बयान दर्ज किया जाएगा। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली बड़ी खबर खरपट्टी इलाके से, जहां तहसील प्रशासन द्वारा कराए गए पत्थर नसब का पत्थर चोरी करने के मामले में 7 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि तहसील क्षेत्र के बीबीपुर बरडी में पट्टी कस्बे के रहने वाले सीओम सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह ने एक जमीन का बैनामा लिया था। जिस जमीन का उन्होंने बैनामा लिया उस पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा उन्हें कब्जा नहीं करने दिया जा रहा था। जब इसकी शिकायत एसडीएम पट्टी देश दीपक से की गई तो एसडीएम के निर्देश पर राजस्व कर्मी और पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर पत्थर नसब का काम करते हुए मौके पर विरोध कर रहे 5 लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग में चालान कर दिया गया। वहीं मामले में जमानत के पश्चात वापस घर पहुंचे महिलाओं और पुरुषों द्वारा तहसील प्रशासन द्वारा कराए गए पत्थर का चोरी करते हुए गायब कर दिया गया, जिसकी शिकायत अब पीड़ित ने कोतवाली पट्टी पुलिस से की तो पुलिस महकमा हरकत में आया और मामले में 3 महिला समेत 7 के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर खबर लालगंज इलाके से, जहां भगवान गणेश की शोभा यात्रा में जमकर झूमे श्रद्धालु। बता दें कि इस बार जिले में तो दर्जनों पूजा पंडाल सजाए ही गए थे, लालगंज इलाके में भी 2 दर्जन से अधिक पूजा पंडाल सजाए गए। गणेश चतुर्थी से गणेश पूजा महोत्सव के लिए सजाए गए पूजा पंडालों में 10 दिन लगातार भक्तों की भीड़ पूजा अर्चना करती रही। शुक्रवार को सुबह गणेश भगवान के पूजन के बाद हवन आरती कर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान विश्वनाथगंज के विधायक जीतलाल पटेल भी पहुंचे और उन्होंने दूल्हेपुर गांव सभा को गोद लेने के लिए मन से घोषणा की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज की खबर की, जहां एटीएम मशीन से फ्रॉड कर पैसा निकालने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से विभिन्न बैंकों के 15 आधे एटीएम कार्ड, 10 आधे एटीएम कार्ड और 2 स्वीप मशीन भी पुलिस ने बरामद कर लिया।
बता दें कि लालगंज कोतवाली पुलिस मुखबिर खास के सूचना पर चेकिंग के दौरान रामपुर भासो के पास स्थित एक बाग से दो व्यक्तियों हरिकेश सरोज और धीरज सरोज को विभिन्न बैंकों के 15 एटीएम कार्ड, 10 सादे एटीएम कार्ड और 2 सेप मशीन के साथ गिरफ्तार किया। उनके विरुद्ध मामला दर्ज करने के साथ साथ उन्हें जेल भेज दिया। पुलिसिया पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह लोगों को झांसा देकर उनका एटीएम कार्ड बदल लेते हैं और उनका कोड जानने के बाद फर्जी तरीके से एटीएम से पैसे का आहरण कर लेते हैं। ऐसे एटीएम बूथों के पास या पहुंचते थे और उन्हें ही निशाना बनाते थे जहां पर गार्ड ना हो और पैसे निकालने वालों की भारी भीड़ रहती। फिर वहां ऐसे लोगों को निशाना बनाते जो देखने में सीधे साधे या ग्रामीण परिवेश के लगते हैं। ऐसे लोगों के बगल में खड़े होकर बहाने से उनका एटीएम कार्ड लेकर अपने पास लिए एटीएम कार्ड से बदल कर उनका पिन जानने के बाद दूसरे एटीएम पर पहुंचकर यह पैसा निकाल लेते थे। इनके पास से जो स्वेप मशीनें बरामद हुई हैं इसका प्रयोग यह लोग एटीएम कार्ड का क्लोन बनाने में करते थे और धोखे से उनमें एटीएम कार्ड का डाटा ट्रांसफ़र कर लेते और फिर तैयार किए गए दूसरे एटीएम से जाकर अन्य बैंक एटीएम से पैसे का आहरण करते थे। अब तक कई लोगों को पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना निशाना बनाया है।